हेलो फ्रेंड्स, जिम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्री एगडी पाठ योजना बनाएंगे, यानी पाठ योजना क्रमांक 22। अभी तक हम इसकी 21 पाठ योजना बना चुके हैं। आप प्रीवियस सारी पाठ योजना हमारी प्लेलिस्ट से देख कर लिख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के होम पेज पर मिलेगी, या फिर आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोल कर वहाँ से भी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आपको फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं हमारे लेसन प्लान, आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक सेंड करूँगी। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है छात्र अध्यापिका का नाम। यदि आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखें। फिर विद्यालय का नाम, जहाँ भी आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी 9वीं का प्रकरण है, विषय है सामाजिक विज्ञान, उप विषय है अर्थशास्त्र, प्रकरण है हमारा प्राथमिक व्यवसाय, दिनांक आप जब भी प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस कालखंड में आप पढ़ाएं, और समय जितने भी मिनट का आपका पीरियड लगता हो। फिर सबसे पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, यानी हमारा सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र पढ़ाने का क्या सामान्य उद्देश्य है वो आपको यहाँ लिखना है। तो सभी अर्थशास्त्र के सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे, इसलिए हमने यह पूर्व अनुसार लिखा हुआ, आप प्रीवियस वीडियो से देख कर लिख सकते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य, कि हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं। तो हमारे टॉपिक पढ़ाने के हमारे विशिष्ट उद्देश्य हुए कि विद्यार्थियों को भारत के प्राथमिक व्यवसायों का प्रत्याभिज्ञान करने योग्य बनाना, विद्यार्थियों को प्राथमिक व्यवसायों की व्याख्या करने योग्य बनाना, विद्यार्थियों को प्राथमिक व्यवसायों से संबंधित पूर्व कथन देने योग्य बनाना, विद्यार्थियों को प्राथमिक व्यवसाय का राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्व को समझने योग्य बनाना, ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। फिर आता है शिक्षण विधि और प्रविधि। शिक्षण विधि हम यहाँ व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करेंगे, और प्रविधि हम यहाँ प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक विधि और प्रविधि पर भी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूँगी, जिसमें आपको समझ में आ जाए विधि और प्रविधि में क्या अंतर है और क्या होता है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री की भारत की विभिन्न वर्षों में जनसंख्या दर्शाता चार्ट, डस्टर, संकेतक, रंगीन चौक आदि, यानी हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको चार्ट ले जाना है। लपेट चम्पट ले जा सकते हैं आप, रंगीन चौक जिसको आप अलग अलग भाग बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंटर पॉइंट करके दिखाने के लिए, और आप जो चाहें अपनी तरफ से सहायक सामग्री ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कुछ व्यवसायों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें आपको क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाना है। यहाँ आप उनसे पहला प्रश्न करेंगे कि भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती, तो वो बताएंगे गाँव में। तो गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि करना। कृषि के अतिरिक्त गाँववासी कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, तो पशु पालना, टोकरी बनाना, मछली पालना, ये सभी छोटे उद्योग किस श्रेणी के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, तब हम उनको बताएंगे कि ये सभी प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं, और आज हम प्राथमिक व्यवसाय के विभिन्न विषयों का अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार, शिक्षण विधि और चांपट कार्य कॉलम बनाना है। यहाँ पे आप उन्हें पहली प्राथमिक व्यवसाय का अर्थ, पहला शिक्षण बिंदु एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो कृषि पर। विधि हुई हमारी प्रश्नोत्तर विधि, और आप पाठ का नाम डालकर छोटा सा इंट्रो पाठ का लिख देंगे। फिर उसके बाद कृषि व्यवसाय किस श्रेणी का व्यवसाय है, तो ये उनको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ब्लैक बोर्ड पर ये लिख देना है, जो प्रकृति पर निर्भर होते हैं वो ये व्यवसाय, क्योंकि हम यहाँ जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो यही सब है कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारे हमारे प्राथमिक व्यवसाय हैं। तो जैसा यहाँ थ्योरी में भी लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, थ्योरी ज़्यादा टाइम जाएगा, हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको चार्ट द्वारा सारे विभिन्न जो भी हैं, मत्स्य पालन, कृषि, मछली, जो भी हैं, ये जो पशुपालन, इन जो भी प्राथमिक व्यवसाय हैं, आपको उनका चार्ट बनाना है और यहाँ पे प्रदर्शित करके उनको अच्छे से बताना, क्योंकि जब बच्चे चार्ट देखते हैं तो उनके मस्तिष्क में रह जाता है, तो जब वो आंसर लिखते हैं, यदि उनको कोई ऑप्शन याद नहीं आता है तो उनको चार्ट यदि याद है तो भी वो आंसर लिख पाते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से उनको समझाना है। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करना है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, तो वो बताएंगे वह व्यवसाय जो प्रकृति के साधनों का सीधे उपयोग किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। विधि हमारी हो गई प्रश्नोत्तर विधि, प्रविधि हमारी, और आपको ये आंसर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, और क्योंकि जिन भी बच्चों को नहीं आ पा रहा है उन्हें भी अच्छा है, मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा लिखने का काम बढ़ जाता है, लेकिन आपको अपना प्रेजेंटेशन बनाना, अपनी फाइल तैयार करना, मैं तो रफली लिखती हूँ आप लोगों के लिए। आप इसे बहुत अच्छे से लिखें, बहुत अच्छे से सजा के बनाएं, सुंदर राइटिंग में लिखें, साफ साफ लिखें,
चौड़ी पेज वाली कॉपी या फाइल का इस्तेमाल करें जिसमें आपके कॉलम अच्छे से बने। फिर हमारा सेकंड प्रश्न है, प्राथमिक व्यवसाय किस पर निर्भर करता है? तो प्रकृति पर। बच्चे आंसर देंगे। फिर हम अगला जो हमारा पॉइंट है पशुपालन, वो एक्सप्लेन करेंगे। विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि पशुपालन, पशुपालक कौन कौन से पशु पालते हैं? तो गाय, भैंस, बकरी, ये उनको पता है कि ये पालतू पशु हैं, वो बताएंगे। ये हमारी प्रविधि प्रश्न उत्तर है, आप ये आंसर भी ब्लैक बोर्ड पर लिखें। पशुपालन संबंधी मुख्य व्यवसाय बताइए, तो ये उनको ज़्यादा व्यवसाय नहीं पता है। हो सकता है बच्चे आपको बता दें कि दूध बेचना वगैरह। फिर छात्र अध्यापिका कथन, हम उन्हें कथन के माध्यम से बताएंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए ग्रामीण अंचलों में कृषि के साथ साथ पशुपालन जनसंख्या की आजीविका का अच्छा साधन बन जाता है। ये हम सारा उनको एक्सप्लेन करेंगे। विधि हमारी व्याख्या विधि रहेगी, बच्चे क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ हम उन्हें बताएंगे कि भारत में विश्व के सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं, विश्व की 15% गाय, 57% भैंसे, 20% बकरी और 4% भेड़ भारत में पाई जाती हैं। पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि व्यापार भी सम्मिलित हैं। भारत के अन्य देशों को मांस तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त मुर्गी पालन व मत्स्य पालन भी मुख्य उद्योग हैं। ये आप एक्सप्लेन करेंगे, इसका भी आप तालिका ब्लैक बोर्ड पर बना देंगे या फिर आप चार्ट में भी बनाकर ले जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपके प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, यानी आप उनसे यहीं पे प्रश्न कर लेंगे कि कुछ प्रमुख पशु पालन से संबंधित व्यवसाय बताइए, तो वो व्यवसाय बताएंगे। यहाँ पे विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हुई। फिर उसके बाद आता है मत्स्य उद्योग, यहाँ पे हम मत्स्य उद्योग के बारे में बच्चों को बताएंगे। विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि भारत की तटीय रेखा कितनी है, तो वो नहीं बता पाएंगे, तब हम उन्हें बता देंगे और एक्सप्लेन करेंगे सारी थ्योरी वही के उसके मुख्य पॉइंट बिंदु हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे कि भारत का मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो बता देंगे कि तीसरा स्थान है। फिर उसके बाद भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो बताएंगे। फिर सन 2003-04 में भारत का मछली उत्पादन कितना था, तो वो बताएंगे 64 टन। यहाँ पे बुक पुरानी है इसलिए 3-4 तक का लिखा हुआ है, यदि आपके पास नई बुक है तो आप नए सन तक का भी यहाँ पे उत्पाद एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी बुकों में बहुत सालों सालों का ही चला आता है। फिर मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी आपने पाठ को पढ़ा दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको उनसे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। तो जैसे आपने यहाँ पूछ लिया प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा दीजिए, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है, भारत में सर्वाधिक पशुधन है, विवेचना कीजिए, और मत्स्य पालन में भारत की स्थिति बताइए। ये सारे क्वेश्चन आप उनसे कर लेंगे। आप यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न जो आपने बीच में पूछे वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो आपके बोधात्मक प्रश्न है वो भी आपके मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न हो सकते हैं। इनको लिख के ले जाने के लिए आप लपेट श्यामपट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लपेट श्यामपट पर आप प्रमुख बिंदुओं पर लिख कर भी ले जा सकते हैं। ये आपको सहायक सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए भी हो जाएगा और आपका ये यहाँ पे भी समय बचेगा और आप भूलेंगे भी नहीं कि आप कोई प्रश्न यदि ना कर पाते हैं, प्रश्नों की संख्या कम हो जाती है, तो वो भी बचेगा। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी आप उन्हें होमवर्क देंगे घर से करके लाने के लिए। उसके बाद आता है टिप्पणी, पर्यवेक्षक टिप्पणी, यानी जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो यहाँ पे आपको टिप्पणी देगा कि आपका लेसन प्लान कैसा था, अच्छा था क्या, बुराई थी, जैसे कि आपने ब्लैक बोर्ड वर्क अच्छे से किया कि नहीं, आपके ने पुनर्वलन दिया कि नहीं, आपने उद्दीपन कौशल का अच्छे से इस्तेमाल किया कि नहीं, ब्लैक बोर्ड कौशल का अच्छे से इस्तेमाल किया कि नहीं, आप जब व्याख्या कर रहे थे तो आपने व्याख्या कौशल का अच्छे से इस्तेमाल किया कि नहीं, बच्चों को पुनर्वलन दिया या नहीं, इस तरीके से बहुत सारे कौशलों का जो इस्तेमाल हम करते हैं, आपने प्रदर्शन विधि का अच्छे से इस्तेमाल किया या नहीं, सारा जो आपके पर्यवेक्षक हैं वो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपने चार्ट दिखाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं, चार्ट आपका पीछे तक के बच्चों को दिख रहा था कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपका पर्यवेक्षक नोट करता है जब आप पाठ का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो वो सारी टिप्पणी देने का कार्य वो आपको यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद आता है पाठदाता या परामर्शदाता के हस्ताक्षर, सॉरी पाठदाता के हस्ताक्षर यानी आपके, परामर्शदाता के हस्ताक्षर यानी कि जिसने भी आपको सिखाया है उसके, और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यानी कि जो भी आपको सुपरवाइजर है जो देख रहा है आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके साइन। तो ये कॉलम आप कॉलेज के अकॉर्डिंग बनाएं, ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है, आप अपने हस्ताक्षर के और प्रिंसिपल हस्ताक्षर के भी बना सकते हैं।
जैसा आपके यहाँ बताया गया हो वैसा कीजिए। यहाँ पे लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।